लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई वारदात के बाद घटनास्थल की जांच की गई, जहां खाली कारतूस बरामद हुए। यह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि घटना के दौरान वाकई फायरिंग की गई थी। मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, उसमें आरोप लगाया गया है कि आशीष जीप के बाईं ओर बैठे थे और फायरिंग कर रहे थे। लखीमपुर खीरी में घटनास्थल की बुधवार को फोरेंसिक टीम की जांच की गई। पुलिस ने बताया कि बनवीरपुर में घटनास्थल की सफाई के वक्त खाली कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने बयान जारी कर कहा, बुधवार को फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की, 315 की दो खाली कारतूस मिली। गुरुवार को मेटल डिटेक्टर से घटनास्थल की दोबारा जांच हुई। मृतक किसान गुरविंदर सिंह और पत्रकार रमन कश्यप के परिजन लगातार दावा कर रहे हैं कि शव में गोलियों के छेद थे, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में इस बारे में नहीं दिया गया है। घटना के चश्मदीद ने बताया, 10 से ज्यादा बार फायरिंग की गई। काफिले में शामिल लोग फायरिंग कर रहे थे और जब दो गाड़ियों को आग लगाई गई तो बुलेट की आवाज़ घंटों तक आती रही, जिससे आशंका जताई जा रही है कि वाहन में मौजूद कारतूस फटने के कारण ऐसा हुआ होगा। लखीमपुर खीरी कांड में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को समन जारी किया है। आशीष को शुक्रवार को सुबह 10 बजे से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के आवास के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। पुलिस आशीष मिश्रा को ढूंढने का दावा कर रही है, जबकि आशीष मीडिया में अपने को बेगुनाह बताते हुए बयान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आशीष मिश्रा कहाँ है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि अब तक की विवेचना में एक नामजद अभियुक्त के अलावा 6 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। इनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बचे 4 में से 2 अभियुक्त लव कुश और आशीष पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।